जो LMS है वो आपकी आईडी से लॉगिन होगी। जैसे आपकी आईडी होगी अगर बैचलर है तो बी सी आगे आपका कोड होगा 21 या 21 00 समथिंग करके इस तरह का कोड होगा। आप वो कोड लगाएंगे, पासवर्ड लगाएंगे, आप LMS एक्सेस करेंगे। अब बात आती है ईमेल की। ईमेल क्यों दी गई है, उसका यूजेज क्या है, उसका बेनिफिट क्या है। एक तो उसको हम कहते हैं जी सूट, जिस तरह आप जी मेल यूज़ करते हैं सेम पैटर्न है आपकी वीडियो की ईमेल का। वीडियो की ईमेल आपकी क्या होगी, जो आपकी स्टूडेंट आईडी है वो आईडी @vu.edu.pk ये आपकी ईमेल होगी। जो आपको पर्सनल ईमेल पे आपको एक ईमेल आई होगी वीयू की तरफ से, उसमें आपको इसका पासवर्ड उन्होंने ऑटो जनरेटेड दिया होगा, ठीक है। अगर आपका पासवर्ड आपको नहीं पता चल रहा, आप LMS पे आएंगे, फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे वो आपसे पूछेगा आपने LMS का पासवर्ड चेंज करना है जीमेल का चेंज करना, फॉरगॉट करना है। आप जीमेल पे क्लिक करेंगे, अब जो ईमेल आपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर व्यू या वीडियो को पर्सनल जीमेल उसको आप करते हैं, वहाँ पर आपको फॉरगॉट पासवर्ड की ईमेल आएगी, वहाँ से आप पासवर्ड चेंज करेंगे और आप वीयू की जो स्टूडेंट ईमेल आईडी है उसको एक्सेस कर लेंगे। जो भी जीमेल के फीचर हैं वो सारे फीचर्स आपको उसको में मिलेंगे। 25 GB स्पेस मिलेगी आपको, गूगल ड्राइव मिलेगी, फोटोज मिलेगी, कॉन्टैक्ट्स मिलेगा, शीट्स मिलेंगी, हर वो चीज़ जो आपको जीमेल के अंदर मिलती है वो वीयू की ईमेल के अंदर मिलेगी। आपने इसको यूज़ कहाँ पे करना, आपको इशू आ गया, आपने असाइनमेंट ठीक अपलोड किया, आप समझ रहे हैं कि आपके असाइनमेंट बिल्कुल एक्यूरेट है, आपको मार्क्स कम्प्लीट नहीं मिले, आपने क्विज कम्प्लीट ठीक किया, 100% श्योर है, आप पेपर रीचेक करवाना चाहते हैं, आप अपना सेमेस्टर फ्रीज करवाना चाहते हैं, इस तरह की कोई भी ऐसी क्वेरी जो आप हेड ऑफिस से करना चाहते हैं, वो आप अपनी जो स्टूडेंट ईमेल आईडी है उस ईमेल से फॉरवर्ड करेंगे तो वो आंसर होगी, अदरवाइज वो आंसर नहीं होगी। बेशक आप पर्सनल ईमेल से जितनी मर्जी करते हैं, जब तक आप स्टूडेंट आईडी से नहीं करेंगे वो, और ये आपकी परमानेंट आपके पास रहेगी, ये नहीं कि आपकी डिग्री ख़त्म हो गई तो ये किसी और का संबंध नहीं, ये मरते दम तक आपके पास रहेगी। आपकी डिग्री ख़त्म हो गई है उसके बाद आपको 10 साल बाद कोई इशू आ जाता है, आप इसी ईमेल से हेड ऑफिस में कॉन्टेक्ट करेंगे, कोई और इशू यही था आपको पॉइंट क्लियर हो गया। कहाँ पे लॉगिन करना है, LMS आपका आईडी से लॉगिन होगा, आपका ईमेल से लॉगिन नहीं होगा। LMS में आपको सिर्फ आईडी देनी है, आपको जो कार्ड मिला उसके ऊपर आपकी आईडी लिखी होगी। जैसे मैं एक आईडी पढ़ता हूँ BC150403340, ये एक आईडी है, एक स्टूडेंट को साइन हुई है। LMS में आप यूजर नेम की जगह पर ये स्टूडेंट आईडी लिखेंगे, नीचे आप पासवर्ड लिखेंगे, आप लॉगिन कर देंगे, आपको कोई भी @vu लिखने की जरूरत नहीं है, जीमेल लिखने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं। अभी CS101 वाले अगर जाना चाहते हैं वो चले जाएं, CS201 वाले बैठे हैं, किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, अगर अगर बाद में कोई क्वेश्चन आ जाए आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलिए, ठीक है, जो फिक्र हो जाए सब्जेक्ट पास हो जाए। ठीक है, कोई इशू नहीं, आपका करेंगे इंशाल्लाह। आपको अगर किसी सब्जेक्ट का सीनियर लेंगे अगर आप मुझे बताएंगे, चेक करूँगा, अगर मेरे कॉन्टैक्ट्स के अंदर कोई ऐसा बच्चा है जो आपके सब्जेक्ट वाला हो मैं आपकी बातचीत करवा दूँगा, आप इसमें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। मैं आपको अपनी स्टोरी बता देता हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का इरादा नहीं था, मैं अपनी पढ़ाई छोड़ रहा था, कुछ इशू थे फैमिली के, मैंने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के टेस्ट क्लियर किए हुए थे, ITU का, GCU का, प्रीकैट का, इंजीनियरिंग का, पंजाब यूनिवर्सिटी का, मैं सबके अंदर पास था, एलिजिबल था यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, मगर फाइनेंशियली मैं नहीं जा सकता। हमने 80% लोगों को ये इशू किया, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी की 30 लाख रुपया 1.5 लाख रुपये सेमेस्टर की, मिनिमम 60,000 तो है ही यार हर सेमेस्टर, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, और मैंने अपनी फीस को अफोर्ड करनी थी, मैं सब जॉब कर रहा था, प्राइवेट में आप जॉब नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है, आप टीचिंग कर सकते हैं बच्चों को, ट्यूशन हो गया, ट्यूटर हो गया, परमानेंट तो जॉब नहीं कर सकते। मुझे यहाँ पे एक फ्रेंड लेके आया था, उसने एडमिशन करवा दिया,
मैंने क्योंकि मैं पीछे कंप्यूटर पढ़ता हुआ आ रहा था तो मैंने सारे सब्जेक्ट कंप्यूटर से लिए। मैंने देखा उसको, मैंने कहा यार ये सारा पढ़ा हुआ, मैंने पूरे सेमेस्टर में कुछ नहीं पढ़ा। टीचर आए थे हमारे, फिजिकल क्लास भी हुई थी, 2-3 दिन बैठा हूँ, उसके बाद क्लास में नहीं बैठा। यहाँ पे बैठे रहे, यहाँ पे हमारी बनती रही है, ग्रुपिंग हो गई हमारी, खुद ही असाइनमेंट भी करता रहा हूँ, कुछ भी करता रहा हूँ, खुद ही चीज़ें गूगल पे सर्च करता रहा हूँ, चीज़ें सीखता रहा हूँ, करता रहा हूँ। बाद में जहाँ पे मेरा ग्रुप बन गया तो सबको मैं अच्छे से बताता हूँ, पता है ऐसे ऐसे पढ़ना, सारी चीज़ें को बता रहा हूँ। और मैंने पूरी डिग्री के अंदर, मैं हर समय बात कह रहा हूँ, मैंने लेक्चर दे दिया पूरी डिग्री के अंदर। मेरा जो फाइनल जी पी ए वो 3.03 है, मेरा जो जी पी ए है उसका प्रोजेक्ट का वो 3.32 है। अगर आपको चीज़ें खुद सीखने का शौक हो जाए, कंप्यूटर ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं पकड़ में आती है नहीं खराब होती है। याद रखिए ये जो बाहर नज़र आ रहा है ये हार्डवेयर है, ये जब तक गिरेगा नहीं, इसको आप तोड़ेंगे नहीं, ये खराब नहीं होगा। जो अंदर इसके चल रहा है वो सॉफ्टवेयर है, वो खराब हो जाए दोबारा इंस्टॉल होगा, हार्डवेयर खराब हो जाए दोबारा इंस्टॉल होगा। आपको कोई चीज़ किसी भी हवाले से मसला आ रहा है, गूगल पे लिखे आपको उसका आंसर मिल जाएगा। यही चीज़ें कर करके हमने सीखा, हम आगे जाते गए, करते गए, फिर जब दूसरों को पढ़ाते गए, फिर जूनियर को पढ़ाते गए, फिर उन्होंने मुझे यहाँ के जो टीचर्स थे उनके पास आएंगे तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ के बच्चों को पढ़ाओ, मैंने वो स्टार्ट कर दिया। अभी भी मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं बच्चों को पढ़ा सकूँ, ये ना ही मेरा शौक है, ना ही मेरी मजबूरी है, ना ही मेरी ज़रूरत है। ये सिर्फ मैं अपने माइंड की रिलैक्सेशन के लिए ही आता हूँ, क्योंकि मेरे पास काम ज़्यादा होता है, मैं 24 घंटे काम कर रहा हूँ, अपना काम है डिजिटल एजेंसी है मेरी, तो डिफरेंट किस्म के ब्रांड के लिए सब मैं काम करता हूँ। मैं हर टाइम ड्यूटी पे होता हूँ, मेरे पास हर 2 मिनट बाद ये मेरे काम आता है, मैं यहाँ पर भी बैठ कर मोबाइल बंद करके बैठना पड़ता है, कॉल पर आ जाएगी, मैसेज आ जाएगा। इसीलिए आपके पास आया हूँ कि आपको जहाँ पर किसी की ज़रूरत हो मैं वो आपको बताऊँ। जो मेरी स्टोरी है इसमें मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ कि मैंने पूरे सब्जेक्ट में कुछ नहीं कर रहा, एक सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आता हूँ ऐसा था जो मुझे सीरियस नहीं पाया, सब्जेक्ट था MGT 101, CS 101 के बच्चे हैं जिनका CS है, उन बच्चों का वो सब्जेक्ट है। अब वो है मैनेजमेंट का सब्जेक्ट और वो सीरियस ही कल ऑनलाइन आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, आपको लिंक से आ जाएंगे, आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप जूम के लिए आ जाए, जूम एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल में। आप में से किसी का सलामियत है? हाँ जी सर, आपका बस रखेंगे, आप यूज़ कीजिएगा उसमें। मैं आप जो MGT की आपको बात बता रहा था उसका नाम हल्का फ्यूचर था, और उसके ऊपर हम जितना फैडअप हुए हम फैडअप हो गए, हमने ये करना ही नहीं, तो उसमें प्लीज़ हमने वो जो दीवार में अगर आपको मैं बता रहा हूँ उसी मैथड से हमने प्लीज़ किए असाइनमेंट, हमने उसी मैथड से दिए 3-4 कॉन्सेप्ट गूगल से हमने पढ़ के समझ के कॉन्सेप्ट क्लियर किया, पूछा जो बेसिक थे बिल्कुल, तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर करके हम पेपर में बैठे, ये भी मेरा बीट। मैं आपके इसलिए यहाँ पे हूँ कि मैं आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको इंक्रीज करूँ, मैं इसीलिए हूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आप चीज़ें करना शुरू करें, अभी आपको चीज़ों को पता नहीं, मैं अभी आपको अल्फ़ाबेट्स दे रहा हूँ, आप जब अल्फ़ाबेट को गूगल पे जाएंगे सर्च करना शुरू करेंगे, आपके सेंटेंस बनना शुरू होंगे, ग्रेजुअली आप पैराग्राफ बनाएंगे, आप बुक बनाएंगे, यही आपका मेन पर्पज़ है जिसके लिए मुझे रवन बस दो अंदर पूछ रहे सीएस मुझे रवन का देखो अच्छा है। कोई नहीं।
आपने पहले कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड आपकी या अभी कंप्यूटर में शिफ्ट हुए हैं? आपने पहले क्या किया था? आप कर दें, मुझे मैं जैसे फ्री हूँ आपको आपसे कर। पर्सनली आगे जाना है, मैं खुद बुक्स का बहुत बड़ा शौकीन हूँ। मेरे पास एक लाइब्रेरी है मेरे घर में जिसको मैं बोलता हूँ, और मेरे लैपटॉप में 18 से 20 GB की बुक्स पड़ी हैं। मैं पढ़ता हूँ, मैं खुद स्टडी का बहुत, मुझे रिलीजियस बुक पढ़ने का बहुत शौक है, मैं पढ़ता रहता हूँ। तो वो इशू नहीं है, कंप्यूटर एक अच्छी चीज़ है अगर आप इसको गुड वे में लेके चलें। आपको अगर एक ग्लास मिलता है, अगर आप ज़्यादा यूज़ करता हो तो वो स्क्रीन की जो रेज होती है उनसे प्रोटेक्ट करता है, इसको उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, आप इसको डिस्टेंस पर रख के यूज़ करें, जैसे ये वहाँ पे है मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप इसको ऐसे करके यूज़ करेंगे तो आपकी ऐसे ज़्यादा खराब, नॉर्मली यूज करें। आप मोबाइल भी तो यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, वो भी नहीं यूज करते, आप प्रोफेशनली किसे कॉन्टैक्ट कैसे करते हैं? आप प्रोफेशनल नहीं है, ये नहीं, आप होम बेस्ड हैं, प्रोफेशनली तो आप कोई काम ही ना करेंगे। वो गाड़ी ही होगा, ये 201 की क्लास है। आपको अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अगर आप ऑनलाइन पे हैं, या मोबाइल पर लगाना पड़ेगा या लैपटॉप पर लगाना पड़ेगा, इसके बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। कोशिश करें कम करें, ऑथेंटिक यूज करें, एक्स्ट्रा ना यूज करें, टू द पॉइंट यूज करें ना। आपने अगर असाइनमेंट बनानी है, आप बुक के जरिए आप उसके असाइनमेंट हैंड राइट कर लें, सारा हैंड रिटन, बाद में आप उसको ओपन करें, फौरन टाइप करें, क्लोज करके सबमिट कर दें, ज़्यादा टाइम ना लगे। बाकी आपको कंप्यूटर यूज करने में जहाँ पे वो आपको मैं करवाऊंगा ना, मैं करवाऊंगा, नंबर दिया हुआ है आपको, जहाँ भी मसला है अपने पूछ लेना जी। आपको क्या इशू आ रहा है? दो सब्जेक्ट हैं आपका, डिग्री कोर्स क्या है? BScS, BSIT, BSSC, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सी कंप्यूटर साइंस IT, तीन है कंप्यूटर साइंस। आपके पहले सेमेस्टर के अंदर दो कंप्यूटर के सब्जेक्ट हैं, एक है CS 101, ये कोड है, सब्जेक्ट कोड इसको हम कहते हैं कंप्यूटर साइंस 101, दूसरा है कंप्यूटर साइंस 201। एक के अंदर आपके इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटिंग है, दूसरे के अंदर आपकी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स है, दो डिफरेंट है, ठीक है। आपने अभी दो सब्जेक्ट पढ़ने हैं, नेक्स्ट फिर आपके पास दो आएंगे, एक आपका DLD आएगा, डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन आएगा, और एक और सब्जेक्ट होगा कंप्यूटर का। उसके बाद आपके 3 से 4 सब्जेक्ट होते जाएंगे, ग्रेजुअली आपके CS के सब्जेक्ट इंक्रीज हो जाएंगे। एक सब्जेक्ट आपका हमेशा हर सेमेस्टर के अंदर कोई ऐसा होगा जो उसका CS से कोई काम नहीं होगा, और एक सेमेस्टर आपका ऐसा होगा जिसमें आपके सिर्फ CS के सारे सब्जेक्ट। लास्ट जो 2 सेमेस्टर होंगे उनमें अगर आपका 4-ईयर प्रोग्राम है तो आपने प्रोजेक्ट करना होगा। CS 201 के वाले से बात हो रही है तो ये ऑनलाइन वाले भी सुन रहे हैं साथ साथ। CS 201 लास्ट जो 2 सेमेस्टर होंगे, 1 ईयर का टेन्योर बनता है ये, इसमें आपने अपना प्रोजेक्ट करना होता है। प्रोजेक्ट के आपके 4 फेज होते हैं, एक डॉक्यूमेंट फेज होता है, टेस्ट फेज होता है, प्रैक्टिकल फेज होता है, उसके बाद बाय बाय वॉइस होते हैं। आपको टाइम मिलता है, आपने उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अपनी चीज़ें अपलोड करनी होती हैं हर चीज़ वाले से, और वो आपका 2 सेमेस्टर चलता है, 6 क्रेडिट आवर्स होते हैं उसके, और उसका GPA टोटली सेपरेट होता है, ठीक है। हाँ, आपका हर सब्जेक्ट का भी वैसे सेपरेट होता है, मगर वो 6 क्रेडिट आवर्स आपके एक्स्ट्रा होते हैं। अब आपको क्या कन्फ्यूजन है इसके अंदर मुझे वो बताएं, मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो दे दिया, अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं। CS 201 आप गूगल पे सर्च करें, आपका सर्च कर दें, इसके अंदर आपने C++ पढ़नी है। आप कंप्यूटर साइंस पहले पढ़ते हैं क्या? पढ़ा हुआ पहले कौन सा? वेब एंड ग्राफिक्स आपको काम आएगा,
वेब डेवलपमेंट है इसके अंदर, अगर वो आपकी मीट के बाद स्टार्ट होगी आपको वहाँ पे सर वॉल्टन कैंपस के अंदर फिजिकल लेक्चर हो रहे हैं सर। आज थोड़े बच्चे आए हुए हैं, कल से ऑनलाइन ही होगा, फिजिकल क्लास नहीं होगी। ओके हो गया सर, थैंक यू। इस वन टू वन में आपकी वेब डेवलपमेंट है, उसमें आपको करना होगा। तो आप प्रोफेशनली क्या कर रहे हैं? बस डिप्लोमा करके घर बैठ गई। आपकी ग्रिप कैसी है उस ग्राफिक्स के अंदर? ये देखिए, ये नजर आ रहा है बैनर सामने स्क्रीन पे, ये बना लेंगे एज इट इज। वही तो पूछ रहा हूँ आपका लेवल क्या, अगर मैं 10 लेवल रखता हूँ किस लेवल पे? कौन सा टूल यूज कर रहे हैं? टूल क्या यूज कर रहे हैं? टूल्स क्या यूज कर रहे हैं ग्राफिक्स के लिए, काम किस पे? बस फोटोशॉप, फोटोशॉप पे काम किया। मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग का काम बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर, आप इसके ऊपर फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। यूट्यूब पे एक चैनल है पिक्सेल पर फैक्ट्री इंडिया का लड़का है, वो अच्छी वीडियोस बनाता है, तो अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको नोहाउ है, आप फोटोशॉप यूज़ करें, आप उसका काम करें। मैं ग्राफिक्स का काम भी करता हूँ, मैं वेब डेवलपर भी हूँ, मैं डिजिटल में काम भी करता हूँ, मार्केटिंग। इतनी चीज़ें आप करते हैं, मैं भी कुछ सिखा दें। मैंने BSc किया हुआ, यहीं से किया हुआ। इस्लामियात का कोड नहीं चेंज कर सकते आप उसको, इस्लामियात ओनली सब्जेक्ट है आपके पास जिसको आप मैसेज राइटिंग में आंसर कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन करता है वो, चाहे पेपर्स के अंदर हो चाहे असाइनमेंट्स के अंदर हो, आप उसको रोमन इंग्लिश जिसको हम करते हैं आप उसके लिए काम कर सकते हैं। और कुछ नहीं, वो आप इंग्लिश में लिखें। CS101 के जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं पेपर्स के वाले से, CS201 में भी, जबकि बाकी सब्जेक्ट में भी सारी चीज़ें सेम हैं, तो मैं कुछ चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है या किसी को नहीं पता तो वो मुझे मैसेज कर दे मेरे नंबर के ऊपर, तो मैं उसको वो रिप्लाई कर दूँगा। वही सेम रूल है आपके, 40 मार्क्स मिड के हैं, 80 मार्क्स फाइनल के हैं, आपके असाइनमेंट हैं, आपके क्विज हैं, 30% मार्क्स आपके असाइनमेंट क्विज के हैं, 40% फाइनल के हैं, 30% आपके मिड के हैं। असाइनमेंट क्विज आपने के पास सेम पैटर्न है, जब भी आपकी कितने की असाइनमेंट क्विज आएगी तब हम उसको देख लेंगे। अभी हम इसको ज़रा स्टार्ट करते हैं, दिखाइएगा ज़रा अपने हैंड आउट्स देख लें ज़रा, जिसके आपके 45 लेक्चर्स हैं और सर जी ऑनलाइन पे भी कुछ करा दें, कुछ नज़र ही नहीं आ रहे हैं आप तो। मैं अभी हैंड आउट्स दिखाता हूँ आपको। सर ये जरा ऑनलाइन पे भी करा दें, यहाँ पे तो कुछ पता ही नहीं लग रहा। वेट करोगे
जी अब आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। हाँ जी सर आ गया इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लेक्चर नंबर 1। ये 201 के अंदर आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ना, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर सी प्लस प्लस। सर ये स्पीकर से शोर आ रहा है किसी के, आप सारे म्यूट कर लें, जब क्वेश्चन करना होगा तब वो ऑन करें, अदरवाइज आप क्लोज रखें अपने माइक। बाकी सारे बंद कर दें। समझा नहीं ना शो मान है इथे लिखना है। हां जी मैं लिख इथो वन ले लो। आपका क्या स्टडी है? ये 101 है, ये तो कर लिया हुआ, इसको कल स्टार्ट करेंगे ना। जो पहले लेक्चर हुआ वो सीएस 101 का था, अभी 201 के बारे से बात करूंगा, इसमें मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगा। अगर आपका है तो बैठ जाए, अगर नहीं है तो आप जा सकते हैं अपने उसमें मोबाइल में LMS लॉगिन करें ना। नहीं आपकी जाना तो चले जाए, बैठना तो बैठ जाए। अच्छा जी, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर अगर हम इसको स्टार्ट करें तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज प्रोग्रामिंग, क्योंकि हमने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पढ़ना, फंडामेंटल्स का तो चलिए समझ लग जाती है जी, कुछ काम है जो हमने करने हैं, जो उसकी खसूसियात हैं, मगर प्रोग्रामिंग होती क्या है सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा। प्रोग्राम सेट ऑफ लाइंस कह सकते हैं, या स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए जो आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। जैसे अगर आम अल्फाज में कहें तो हम कहते हैं बाहर जाने का कोई प्रोग्राम बनाते हैं, घूमने फिरने का कोई प्रोग्राम बनाते हैं, ये हमारे आम अल्फाज होते हैं। तो वो क्या होता है, कुछ प्लान, आपने किसी जगह पर जाना है, वहाँ पर जाकर क्या क्या करना है, वापस कब आना है, ये सब चीज़ें उस प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं। इसी तरह कंप्यूटर की ज़ुबान में जब आपने कुछ भी टास्क कंप्यूटर को कहना है करने के लिए, तो वो टास्क कहाँ से शुरू होगा, कहाँ पे ख़त्म होगा, कितना टाइम लेगा और क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ वो प्रोवाइड करेगा, ये जो लाइनें आप लिखेंगे या ये जो आप डिफाइन करेंगे उसको जिस भी तरीके से करेंगे वो आपका प्रोग्राम होगा। अब अगर इसी अगर देखें तो अ प्रिसाइज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो क्या कर रहे हो, आपके पास जो सेट हैं या आपके पास चार लाइनें हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ है आपने ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है, तो वो जो रूल्स आपके पास लिखे हुए हैं उन रूल्स को हम प्रोग्राम कहते हैं, जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं उनको हम प्रोग्राम कहते हैं, जो लाइनें लिखी हुई हैं उस काम को करने के लिए उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम के लिए आपके पास ये स्किल्स होनी चाहिए कुछ, उसमें सबसे पहले यह है कि आपको एनालाइज करना आना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, आपने कोई फंक्शनैलिटी है वो फंक्शनैलिटी क्या है जो आपने प्रोवाइड करनी है। अगर आपने 2+2=4 करना है तो आपको एनालाइज करना आना चाहिए कि आपके पास दो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, उनके अंदर एक ऑपरेशन हो रहा है जिसको हम एडिंग ऑपरेशन कहते हैं, और वो ऐड होने के बाद आपको एक आंसर कर रहा है, ये होती है एनालाइज। एनालाइज के बाद क्रिटिकल थिंकिंग कि आपका इसका वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होता है और इसका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्रिटिकल थिंकिंग में आ जाता है। और डिटेल्स, कितने वेरिएबल्स हैं इसके अंदर, इसके अंदर कौन से ऑपरेटर यूज़ हो रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज के अंदर यूज़ करना है हमने, ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं इसको हम अटेंशन टू डिटेल कहते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट स्लाइड के अंदर वही चीज़ें जो मैंने आपको बता दिया, अटेंशन एनालाइज कैसे कर रहे हैं, स्लाइड्स हर चीज़ के लिए, कोई भी प्रोग्राम हो चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो या दूसरा हो, उसको एनालाइज करना आपको आना चाहिए। जैसे ये अब आपके पास दो रिंग है, एक इनर रिंग है एक आउटर रिंग है, तो आपने टोटल एरिया निकालना है, तो आपके पास सबसे पहले तो एरिया का फार्मूला होना चाहिए, फिर आपके पास रेडियस होना चाहिए, तो आप इसका फार्मूला निकाल सकते हैं। तो आप अगर हेलो जी सॉरी सर, मैं दरअसल अभी आया हूँ, तो मुझे पहले तो लॉगिन ही हो रहा था, अब लॉगिन हुआ है तो वो अब समझ नहीं आ रही 201 का लेक्चर चल रहा है कि 101 चल रहा है, तो ये 201 चल रहा है, 101 का लेक्चर खत्म हो चुका है। थैंक यू फॉर योर इंफॉर्मेशन सर। सर मैं ये ले सकता हूँ अभी? ले सकते हैं श्योर सर, थैंक यू सर, कंटिन्यू सर।
अब आपके पास दो रिंग्स हैं, एक स्मॉल सर्कल है और एक आउटर सर्कल है। अब अगर आपने डिस्टेंस फाइंड करना हो या एरिया फाइंड करना हो इनर सर्कल और आउटर सर्कल के दरमियान में जो स्पेस है, जो कि आपकी स्टेप स्काई ब्लू कलर में शो हो रही है, जिसको अगर मैं माउस से दिखाऊं तो ये वाली जो सरफेस है आपकी, इसका अगर आपने एरिया निकालना हो तो आप क्या करेंगे? आप पहले आउटर सर्कल का रेडियस से फार्मूला से उसका एरिया निकालेंगे, फिर आप इनसाइड का एरिया निकालेंगे, आउटसाइड वाले एरिया को इनसाइड से माइनस कर देंगे, तो आपके पास रिमेनिंग एरिया आ जाएगा। ये क्रिटिकल थिंकिंग होती है कि आपने कोई भी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। जैसे अगर आपने सम करवाना है तो आपके पास वैल्यूज़ दो होनी चाहिए और आपने उनको ऐड करवाना है, ये आपके पास सिंपल थिंकिंग है, और आपने उसका एक आंसर शो करवाना है। अगर इसकी मैं आपको और एग्जांपल दूं तो घरेलू ज़िंदगी में आप सब चाय बनाते हैं, चाय बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? कोई फर्स्ट टाइम बनाएगा उसको पता नहीं चलेगा, मगर आपका एक्सपीरियंस है, आपको पता होगा, आपको आग चाहिए, आपको एक बर्तन चाहिए, आपको थोड़ा सा पानी, दूध, चीनी, पत्ती चाहिए। फिर एक सीक्वेंस है, आप पहले पानी को यूज़ करेंगे, फिर पत्ती को यूज़ करेंगे, फिर चीनी को यूज़ करेंगे, दूध को यूज़ करेंगे, फिर एक सर्टेन टाइम आप उसको हीट करेंगे, उसके बाद आपको चाय मिलेगी। तो ये एक रूल है, प्रोसीजर है चाय बनाने का, तो ऐट द एंड आपको चाय मिलती है। तो अगर आपका प्रोग्राम हो चाय बनाने का, तो जो पीछे आपने चीज़ें की हैं वो आपका पूरा प्रोग्राम है एक चाय को अचीव करने के लिए। इसी तरह प्रोग्रामिंग के अंदर आपने कोई भी चीज़ जो अचीव करनी है उसको करने के लिए जो आप स्टेप्स फॉलो करेंगे वो आपका प्रोग्राम होगा। ये आपकी कोर्स पॉलिसी है, असाइनमेंट 15% है, 5% आपकी ग्रुप डिस्कशन है, 45 फाइनल, मिड टर्म 35। आपका जो फाइनल जीपीए बनेगा सब्जेक्ट का वो इससे बनेगा। अच्छा जी, थोड़ा सा हम इसको अगर फर्दर स्टडी करते हैं, तो अभी मैं प्रोग्रामिंग की तरफ नहीं आऊँगा, अभी हम प्रोग्राम्स की तरफ बात करते हैं। कंप्यूटर के अंदर कुछ आपको सॉफ्टवेयर मिलते हैं, सॉफ्टवेयर आपके प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके डिफरेंट टास्क को करने के लिए यूज़ होते हैं। आपके पास डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, आपके पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं? आपका लैपटॉप या आपका मोबाइल या कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़, उसको कम्प्लीटली फंक्शनल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे विंडो, इसके अंदर लैपटॉप के केस में, मैकिंटोश मैकबुक के केस में, एंड्रॉयड मोबाइल के केस के अंदर, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो आपके जितने भी हार्डवेयर होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करते हैं, उनकी कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करते हैं, और डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़, बेसिक फंक्शनैलिटीज़, इन आउट, इनपुट आउटपुट, डिस्प्ले, इस तरह की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कोई ख़ास एक काम करने के लिए, जैसे आपने लिखना है कंप्यूटर के अंदर तो आपको डॉक्यूमेंट के सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, वर्ड मिल जाएगा, नोटपैड मिल जाएगा, इस तरह के और बहुत से सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जो आपके डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज़ होते हैं, तो ये आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक ख़ास एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे आपकी गेम होगी, गेम आपकी एक एप्लीकेशन होती है, उसके अंदर आपको इनपुट भी फ़ौरन जा रही होती है, आपको आउटपुट भी फ़ौरन आ रही होती है, और आपकी प्रोसेसिंग भी फ़ौरन हो रही होती है। तो इस तरह आपके पास डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक को हम पैकेज सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। पैकेज सॉफ्टवेयर जिस तरह आप ऑफिस डाउनलोड करते हैं तो ऑफिस के अंदर आपको वर्ड भी मिलता है, एक्सेल भी मिलता है, पावर पॉइंट भी मिलता है, आउटलुक भी मिलती है, तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें आपको ऑफिस के अंदर मिलती हैं, तो इसको हम पैकेज सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसके अंदर आपको डिफरेंट तरह की चीज़ें मिल रही होती हैं। ये हो गया अब आपका बेसिक इंट्रोडक्शन सॉफ्टवेयर के वाले से। अब मैं स्पीड अप करूंगा सीएस। मैं आपको बता देता हूँ,
जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो जो बेसिक स्क्रीन आपके पास सामने आ रही होती है, जो चीज़ें आपको दिखा रही होती है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसके बाद अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। आपने वीडियो देखनी है तो आप एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं विंडो मीडिया प्लेयर या VLC मीडिया प्लेयर, जिसमें वीडियो प्ले होती है। तो उसकी एक यूटिलिटी है कि वो वीडियो को प्ले करता है तो वो ओपन हो जाएगा, आपको वीडियो दिखा देगा। तो इस तरह की जो चीज़ें होंगी जो आपका एक स्पेसिफिक टास्क करके आपको दे देंगे, वो यूटिलिटी है जो आपको ईजीनेस प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद आ जाती है आपकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आपने गेम खेलनी है तो गेम से पहले आपका एक कंसोल ओपन होता है, उस डिफरेंट चीज़ें ओपन होती हैं, वो फिर आपकी इनपुट जाती है, आउटपुट जाती है, प्रोसेसिंग होती है, सारा कुछ मौके पे हो रहा होता है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हम उसको एप्लीकेशन कहते हैं। आप मोबाइल यूज़ करते हैं, आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर आप रिप्लाई कर वीडियो कॉल करते हैं, वॉइस कॉल करते हैं, तो वो इंस्टेंट हो रही है। ये एप्लीकेशन है जो आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। आप जैसे कोई मैसेज सेंड करते हैं वो इनक्रिप्ट होता है, साथ ही वो इंटरनेट पे बड़ा चला जाता है, और जो रिसीवर होता है जब जैसे ही वो ऑनलाइन होता है उसको वो मैसेज मिलता है, डिक्रिप्ट होता है, उसके मोबाइल में शोर जाता है। तो ये थोड़ा सा एप्लीकेशन इस तरह काम करती है। अब प्रोग्राम से पहले दो तीन चीज़ें हैं। आपके पास प्रोग्राम लिखने के लिए कोई इंटरफेस होना चाहिए, जिस तरह आपके पास लिखने के लिए कॉपी पेंसिल होनी चाहिए, कंप्यूटर में लिखने के लिए डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इसी तरह प्रोग्राम करने के लिए आपके पास कोई ऐसा इंटरफेस होना चाहिए जिसको जिसके अंदर आप लिख सकें, वो आपको फंक्शनलिटी प्रोवाइड करे। तो इसके लिए आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एडिटर, एक होता है IDE। और IDE एडिटर सिंपल आपका टेक्स्ट एडिटर होता है, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वर्ड हो गया, नोटपैड हो गया, और भी डिफरेंट तरह के मिलते हैं जिनके मैं नाम आगे लूँगा, अभी नहीं मैं ले रहा, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे आप अगर मैंने बिना। तो ये जो जिसके अंदर आप सिंपल टेक्स्ट लिख सकते हैं वो आपका एडिटर है, और जो IDE है उसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये क्या होता है, एक पूरा फेज होता है जिसके अंदर आप कोडिंग लिखते हैं, वो आपको हेल्प आउट करता है सिंटैक्स लिखने के अंदर। जैसे आपने कोई फंक्शन बनाना है या कोई स्टेटमेंट लिखनी है लैंग्वेज की, आप उसके दो वर्ड लिखते हैं तो वो पूरा वर्ड टाइप हो जाता है। जिस तरह जीमेल का नया फीचर है, आप जीमेल लिख रहे होते हैं तो वो आपका सेंटेंस खुद कंप्लीट कर देता है अगर तीन चार वर्ड्स लिखे। इसी तरह IDE क्या करता है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे आपने एक लाइन ख़त्म करनी है तो उसके बाद आपने सेमी कोलन लगाना है हर लाइन के बाद, तो IDE क्या करेगा, जैसे ही आपको नई लाइन लिखेंगे वो उसके एंड में सेमी कोलन खुद लगा देगा, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कोई चीज़ ऐसे यूज़ करते हैं जिसमें आपको डबल कोटेशन यूज़ करनी पड़ती है, तो अगर आप IDE यूज़ कर रहे हैं तो आपको डबल कोटेशन नहीं लगानी पड़ेगी। आप जैसे ही उसको क्लिक करेंगे वो डबल कोटेशन खुद लगा देगा, आपका कर्सर इंसर्ट होगा, आप लिखेंगे। यानी कि ये आपको कोड लिखने में इजीनेस प्रोवाइड करता है, बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज होती हैं जो आपको हेल्प आउट करती हैं अंडरस्टैंड करने में सिंटैक्स को, जो लिखने का तरीकाकार है। 10 मिनट है हमारे पास, 10 मिनट बाद हम अपनी जो है ये ख़त्म कर देंगे क्लास, बल्कि 8 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, ताकि क्वेश्चन उनको कर सके। क्या कह रहे थे, IDE। IDE का दूसरा काम क्या होता है, एक तो ये आपको कोड लिखने में इजनेस प्रोवाइड करता है, दूसरा ये कोड को ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, जिसको हम कहते हैं कंपाइलिंग। कंपाइलिंग के लिए आपके पास एक कंपाइलर होता है, एक आपके पास इंटरप्रेटर होता है। दोनों के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है, दोनों है ट्रांसलेटर हैं। डिफरेंस यह है कि कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एक दफ़ा पढ़ता है, उसको ट्रांसलेट कर देता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं 0-1 के अंदर। और जो इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन करता है, वो पहले एक लाइन पढ़ता है उसको ट्रांसलेट करता है, लाइन 2 को पढ़ता है ट्रांसलेट करता है, लाइन 3 को पढ़ता है ट्रांसलेट करता है। तो इंटरप्रेटर जो है वो काफ़ी हद तक स्लो हो जाता है, इसलिए हम ज़्यादातर कंपाइलर यूज़ करते हैं। एक तीसरा भी आप नाम सुनेंगे ट्रांसलेटर्स के अंदर, जिसको हम असेंबलर कहते हैं, असेंबलर। ये जो होता है ये एक सिंगल लैंग्वेज का कन्वर्टर होता है, वो होता है असेंबली लैंग्वेज। ये किसी और लैंग्वेज को कन्वर्ट नहीं करता, सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। लैंग्वेज कंप्यूटर के अंदर आपके पास दो होती हैं, एक आपके पास मशीन लैंग्वेज है जिसको हम
एक को हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, एक को हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। अब इसमें आपको ये चेक करना पड़ेगा क्योंकि इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। एक लैंग्वेज वो होती है जो इजी टू अंडर नियर टू मशीन होती है, एक है जो नियर टू ह्यूमन है। जो नियर टू ह्यूमन है उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, जो नियर टू मशीन है उसको हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। मशीन जो आपका कंप्यूटर है वो 01 की ज़ुबान समझता है, आप उससे जो भी बात करते हैं 01 में करते हैं। आप ए लिखें बी लिखें वो ए भी कंसीडर नहीं करता, वो ए के पीछे कोड होता है बी के पीछे कोड होता है उसको अंडरस्टैंड करता है। कल के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा वो कोड क्या होते हैं, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा आपको। फिलहाल के लिए आपको प्रोग्राम बताया, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के बारे से थोड़ी सी बात बताइए, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे से थोड़ी सी बात बताइए और लैंग्वेजेस के बारे से प्रोग्राम बताइए और आपको कोडर बताएं। कल हम पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग लिखने के जो बेसिक रूल्स होते हैं, फ्लो चार्ट क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए वो चार कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, आप दूसरी लैंग्वेज सीख सकते हैं, आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कैसे जाएंगे, फिर और एडिटर कौन से होते हैं और IDE जो है आपके पास कौन कौन से अवेलेबल हैं, हम कौन सा यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, और फिर हम इवेंचुअली अपने जो है वो कोडिंग स्टार्ट कर देंगे। अब मैं इसको आपकी बुक के हवाले से नहीं चलूँगा, मैं आपको चलाऊँगा अपने हिसाब से, क्योंकि प्रोग्रामिंग ऐसी चीज़ है जिसमें आपको कुछ चीज़ें होती हैं वो इकट्ठी पढ़नी पड़ती हैं, तो आपने अपने हैंड आउट को स्टडी कर लेना है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो बुक में बाद में आएंगी मैं पहले बता दूंगा, कुछ ऐसी होंगी जो पहले लिखी होंगी मैं बाद में बताऊंगा, और इन केस कुछ चीज़ मैं मिस कर जाऊं तो आपने मुझे पॉइंट आउट कर देना है, मैं वो आपको बता दूंगा। अब अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो अपना पूछ सकते हैं। कल है क्लास, कल ऑनलाइन क्लास होगी, कैंपस ऑफ है, ऑनलाइन क्लास होगी, आप जाते वक्त वहाँ पे बात कर सकते हैं क्योंकि स्ट्रिक्ट नो फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होंगी। जी क्या कहा मुझे समझ नहीं लगी सर, फिजिकल क्लासेस जो होंगी जिस सब्जेक्ट की समझ ना आए तो वो कब से स्टार्ट होंगी? किसी सब्जेक्ट की फिजिकल क्लास आपको अवेलेबल नहीं है जब तक हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आता। ये मैं फिजिकल क्लास के लिए अवेलेबल हूँ, बट फिजिकली क्योंकि आप आ नहीं सकते इसलिए आपको ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ। मेरा नंबर आपने अगर नोट करना है तो नंबर नोट कर सकते हैं सारे, मेरा नाम सजाद महमूद है, 0322 मेरा नंबर है, लिख लें 0322 4590239 किसी को किसी किस्म का कोई इशू है वो मुझे इस पर मैसेज कर सकता है, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आपको मैं एक और नंबर भी देता हूँ, आप ग्रुप में ऐड होंगे, अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं है तो मैं आपको एक नंबर लिखवाता हूँ, आप उस पर मैसेज कीजिए, आप CS के ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। नंबर नोट कर लें सर, वो पूछा था कि वो 101 या CS का कोई भी ग्रुप हो, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, आपने किसी भी ग्रुप में ऐड होना है तो आपको मैं जो नंबर लिखवा रहा हूँ आप उस नंबर पे मैसेज करेंगे, अपना सब्जेक्ट बताएंगे जिस ग्रुप में आपने ऐड होना है तो आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। नंबर नोट कर लें 0323 8993 0323 8993 0323 8993 ये कैंपस का नंबर है, अगर आपको कैंपस के वाले से कोई बात करनी हो आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं। आपने CS101 के लिए 101 के ग्रुप में ऐड होना है, MTS101 के ग्रुप में ऐड होना है या किसी और सब्जेक्ट के ग्रुप में ऐड होना है तो आप इस पे मैसेज कर सकते हैं, अगर उसका ग्रुप अवेलेबल होगा तो आप उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। ठीक 4 मिनट बाद ये जो जूम क्लास है वो ख़त्म हो जाएगी, इसलिए जूम वाले पहले क्वेश्चन कर लें। जी क्वेश्चन पूछ लें, किसी का क्वेश्चन है सर? ये जो आप ग्रुप स्टडी करेंगे वो कैसे करेंगे? ग्रुप स्टडी आप व्हाट्सएप के जरिए करेंगे, लेकिन हमें पता तो नहीं है हमारे साथ कौन कौन से बच्चे ऐड हैं या हमारी क्लास में कौन है। आपको ग्रुप के अंदर इसीलिए ऐड कर रहा हूँ,
ग्रुप जो बन रहे हैं वो इसीलिए बन रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपके सब्जेक्ट मेट कौन से हैं। लेकिन अभी जो ग्रुप के अंदर ऐड हुए हैं, सही है, जिसके अंदर ये सारे लिंक्स आए हैं, उसके अंदर सिर्फ एडमिन मैसेज कर सकते हैं। उसके लिए आप एक और ग्रुप बनाएंगे खुद, वो स्टूडेंट्स ग्रुप बनाएंगे, वो कैंपस की तरफ से नहीं होगा। सर आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है, समझ नहीं आ रहा। मैं इसी ग्रुप को ना ओपन करवा देता हूं, इसी के अंदर मैं अलाउ कर देता हूं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं अलाउ करवा देता हूं, सेटिंग चेंज हो जाएगी इसकी। फर्दर कोई क्वेश्चन है किसी का? अगर आप किसी का क्वेश्चन है तो वो मुझे व्हाट्सएप पे पूछेगा, क्लास सेंड हो रही है। चलिए सर जी, थैंक यू सो मच। ओके, आपका क्वेश्चन।